हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज है दिनांक 7/6/2022। आज जो है HPU MCOM एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया गया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा। मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट किया गया था, ऑनलाइन एजुकेशन बाय प्रोफेसर प्रवीण। MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स जो इसका पेपर कोड था वो था 8958। तो ये टेस्ट कंडक्ट किया गया मॉर्निंग शिफ्ट में 7/6/2022 को। तो इसकी जो है प्रोविजनल आंसर की कम सॉल्व पेपर में आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रोविजनल आंसर की है, ऑथेंटिक सोर्सेज से ये सारे के सारे आंसर लिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न के संदर्भ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HPU MCOM एंट्रेंस जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ 7/6/2022 को, उसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग पर्सन एट डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज बी, डायगोनल कम्युनिकेशन। बी जो है राइट आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर प्रश्न जो पूछा गया था HPU MCOM एंट्रेंस 2022 में, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो दो का राइट आंसर है दैट इज सी, स्टाफिंग। प्रयोजन की किस कार्य को संगठन संरचना के पदों को भरना और भरा रखना शामिल होता है, तो ये स्टाफिंग के अंतर्गत रहता है। दो का राइट आंसर सी रहेगा। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था इसमें, अकॉर्डिंग टू मैस्लो ए पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अफेक्शन बिलोंगिंगनेस एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप इज एट विच नीड लेवल। तो तीन का जो राइट आंसर है दैट इज सी, सोशल नीड्स में जो है इंसान इस तरीके से बिहेव करता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, सामाजिक जो है जरूरत। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, हेनरी फ्योल इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, इनको जो है फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट जो है माना जाता है। राइट आंसर इज ए, 4 का राइट आंसर ए रहेगा। 5 नंबर प्रश्न जो पूछा था, संगठन के हितों को किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी के हितों पर प्राथमिकता देनी चाहिए, इस कथन में फ्योल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो 5 का जो राइट आंसर होगा दैट इज डी, जो है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा था, वर्ड इन हैंड आर्गुमेंट गिवन बाय, वर्ड इन हैंड तर्क दिया गया था। 6 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, गार्डन के मॉडल द्वारा जो है वर्ड इन हैंड आर्गुमेंट दिया गया था। 7 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था HPU MCOM एंट्रेंस में जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, वित्त में कार्यशील पूंजी का अर्थ वही है जैसा, इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मींस द सेम थिंग एज। 7 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, कुल संपत्ति टोटल एसेट्स। 7 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इनमें से पूंजी संरचना का भाग नहीं है। 8 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, अकाल्पनिक जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज, वित्तीय प्रबंधक का प्राथमिक लक्ष्य अधिकतम करना है। तो 9 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, शेयर होल्डर वेल्थ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था इसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। 10 नंबर का जो आंसर रहेगा दैट इज ए, रेशियो बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल, पूंजी के विभिन्न रूपों के बीच में अनुपात। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था, नेट इनकम अप्रोच इज गिवन बाय, तो 11 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, डेविड डुरेंट जो है इसका आंसर आएगा, जो है प्रश्न नंबर 11 का आंसर जो है बी आएगा, डेविड डुरेंट। मैं फिर से आप लोगों के बीच रिपीट कर रहा हूं, ये प्रोविजनल आंसर की है, HPU कोई ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं करता है, तो आप जो है इस की को ऑथेंटिक मान सकते हैं और अपने प्रश्नों को देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। 12 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, द टू मेथड ऑफ फाइंडिंग मोड इन ए डिस्क्रीट सीरीज आर, असतत श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करने की दो विधियां हैं। 12 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, समूहन विधि और निरीक्षण विधि, ग्रुपिंग मेथड एंड इंस्पेक्टिंग मेथड। 13 नंबर प्रश्न पूछा था, पिक्टोग्राम्स आर, चित्रलेख है। 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है दैट इज ए, वेरी एक्यूरेट, जो है पिक्टोग्राम बहुत एक्यूरेट होते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, साइक्लिक वेरिएशन इन ए टाइम
टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय, एक समय श्रृंखला में चक्रीय बदलाव के कारण होते हैं। 40 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है दैट इज ई, उपरोक्त में से कोई भी जो है यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजन ऑफ बायोनिमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, द्विपद वितरण की उत्पत्ति के बारे में पहला समय है। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ए एन पी, ये जो है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 नंबर प्रश्न पूछा है, इन रिग्रेशन एनालिसिस द वेरिएबल दैट इज बीइंग प्रेडिक्टेड, इसका राइट आंसर जो रहेगा 16 नंबर प्रश्न का वो रहेगा ए डिपेंडेंट वेरिएबल। 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए आश्रित चर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्रॉइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज, तो 17 का जो राइट आंसर है दैट इज बी स्कैनर जो है इसका राइट आंसर रहेगा, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो चित्र मुद्रित पाठ या अन्य छवि को डिजिटल परिवर्तित करता है उसको स्कैनर कहा जाता है। द राइट आंसर ऑफ 17 क्वेश्चन इज बी। 18 नंबर प्रश्न पूछा था, जी यू आई स्टैंड्स फॉर, तो जी आई यू का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 18 का जो राइट आंसर है दैट इज सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न पूछा था, एन एरर इज आल्सो नोन एज, तो एन आरर इज आल्सो नोन एज बग, त्रुटि को जो है बग भी कहा जाता है, इस जो है 101% राइट आंसर है इसका। 20 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस मॉर्निंग शिफ्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल, तो 20 का जो राइट आंसर है दैट इज ए रैम, रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है ये जो है वोलेटाइल मेमोरी है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर वायरस इज ए, 21 का जो राइट आंसर है दैट इज ए कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर है, राइट आंसर जो है 21 का ए है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, डैश डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर, 22 का जो राइट आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा चैचे मेमोरी जो है, कैशे मेमोरी जो है, इसका राइट आंसर रहेगा सी। 23 नंबर प्रश्न पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग प्रणाली का उदाहरण कौन सा है। 23 का जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज डी माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। 24 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल डिवाइसेज ऑफ ए कंप्यूटर, 24 का जो राइट आंसर है दैट इज ए हार्डवेयर जो है इसकी फिजिकल कंपोनेंट है। 25 नंबर प्रश्न पूछा था, द अकाउंटिंग कन्वेंशन इज डू नॉट इंक्लूड, लेखांकन कन्वेंशन में शामिल नहीं है। 25 का जो राइट आंसर है ए वो है आपके पास डेप्रिसिएशन कन्वेंशन। और उसके बाद 26 नंबर प्रश्न पूछा था, द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैच विच ऑफ द फॉलोइंग, 26 का जो राइट आंसर है आपके पास दैट इज सी रेवेन्यू विद एक्सपेंसिस जो है इसका राइट आंसर है। 26 का राइट आंसर है सी आपके पास। 27 नंबर प्रश्न पूछा था, डबल एंट्री मीन्स, तो 27 का जो आपके पास राइट आंसर है ये पूछा गया था आपसे कि डबल एंट्री का क्या अर्थ होता है। 27 का जो आपके पास राइट आंसर है दैट इज डी एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, दिस दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 28, इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड बाय बिजनेस इज, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंस, ए राजस्व व्यय जो है इसका राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज क्रेडिट बाय डैश डैश टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 29 का जो राइट आंसर है दैट इज सी डेबिट करके जो है, डेबिटिंग करके जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 30 नंबर प्रश्न पूछा था, स्लेवेज वैल्यू मींस, 30 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था स्लेवेज वैल्यू मींस, तो 30 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी स्टैट्यूटरी ऑडिट। 31 का जो राइट आंसर है दैट इज सी वैधानिक लेखा परीक्षा जो है इसका। 32 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस जो हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में, इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25 ऑन सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन 75,000 द अमाउंट सेल विल बी, तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी, डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न पूछा था, द ऑफर कैन बी लेफ्ट इन केस ऑफ, प्रस्ताव डैश डैश के मामले में समाप्त हो सकता है, 33 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी। 34 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, ए लुनेटिक पर्सन इज, 34 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी एन अनसाउंड माइंड पर्सन जो है इसका आंसर रहेगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज, 35 का जो राइट आंसर है दैट इज सी जबरदस्ती जो है जिसको कहते हैं कोअर्शन। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमाइज ऑन डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट इज कॉल्ड, 36 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट गारंटी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 36 का जो राइट आंसर है दैट इज ए
37 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल बिफोर द पार्टी हु हैज सफर्ड। 37 का जो राइट आंसर है यहां पर दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव इसमें जो है आपके पास आएंगी 37 का। 38 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस में, श्योरिटी इज ए पर्सन हु, 38 का जो राइट आंसर होगा दैट इज ए, जो जमानत देता है, गिव द गारंटी। 39 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस 2022 में, ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड, तो 39 का राइट आंसर रहेगा ए, इक्विटी शेयर। 40 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस 2022 में जो हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, व्हेन शेयर्स आर इशूड प्रीमियम द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम विल बी क्रेडिट टू, 40 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम जो खाते में। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था डिवेंचर होल्डर्स आर, 41 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। 46 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, सॉरी 41 का राइट आंसर है सी। 42 जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज, 42 का राइट आंसर है डी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, आय का विवरण जो है इसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न पूछा है ए मेथड यूज्ड इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 43 का राइट आंसर है बी, कॉमन साइज एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, 44 का राइट आंसर है डी, जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूंजी आरक्षित खाते में इसका राइट आंसर रहेगा। 45 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कम्स अंडर, 45 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, सेक्शन 2/56 जो है इसका सब सेक्शन जो 56 है। 46 क्वेश्चन जो पूछा गया था द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ए कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल इज, 46 का राइट आंसर है ए, टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एसेट्स। 47 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस में जो हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 7/6/2022 को, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, 47 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, AAO, ये जो है राइट आंसर है इसका 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस सेल्फ प्रोस्पेक्टस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, तो 48 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, प्रोस्पेक्टस जो है इसका विवरण पुस्तिका इसका राइट आंसर है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था -49 ईयर इंप्रिजमेंट विल बी इम्पोज इन केस ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद अनट्रू स्टेटमेंट, 49 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास। 50 नंबर प्रश्न जो इसमें पूछा गया था द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन ऑफ टू द प्रिंसिपल ऑफ, 50 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, तो 51 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, चार्जेबल एक्सपेंसेस भी इनको कहा जाता है, 51 का राइट आंसर है बी। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलोंग विद, 52 का राइट आंसर है दैट इज बी, फैक्ट्री कॉस्ट, बी जो है इसका राइट आंसर है, फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ओवर टाइम इज, 53 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, वास्तविक घंटे मानक समय से अधिक होना। 54 नंबर प्रश्न इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, 54 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, मिनिमम स्टॉक लेवल इज मेंटेन्ड। 55 नंबर प्रश्न रीऑर्डरिंग लेवल इज कैलकुलेटेड एज, 55 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है इसका राइट आंसर रहेगा 55 का। 56 का जो राइट आंसर रहेगा कॉस्ट एट्रीब्यूशन का जो राइट आंसर है 56 का दैट इज ए, एलोकेशन जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। 57 नंबर प्रश्न पूछा था लेबर टर्नओवर मींस, लेबर टर्नओवर मींस, 57 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया था द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड बाय एंट्री -- ऑफ द यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टू लेवी टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम। 58 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, 82 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 59 एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस 2022 में जो हुआ था आज 7/6/2022 को, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इन, 59 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, असेसमेंट ईयर जो है इसका, आकलन वर्ष जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 60 क्वेश्चन जो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, 60 का राइट आंसर है डी, ए और बी जो है इसमें दोनों होंगे आपके पास, ये आपने ध्यान रखना है। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया था अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस द चार्ज इज, 61 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, एनुअल वैल्यू जो है इसका आपके पास राइट आंसर रहेगा। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया था सेट ऑफ लॉस
अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड इनकम अंडर सेक्शन, इसका जो राइट आंसर रहेगा 62 का, दैट इज सी सेक्शन 71। और 73 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया था एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस में, Which section governs the deduction in respect of medical insurance premium under income tax 1961? 63 का right answer है B, ATDD जो है ये deduction इसमें आती है। 64 number प्रश्न पूछा था, The loss from business cannot be set off against। 64 का जो right answer है that is A, salaries, जो है A जो है इसका right answer रहेगा। 65 number प्रश्न पूछा था, Which of the following is the correct sequence in the stages in the formation of company? 65 का जो right answer है that is A, promotion, incorporation, capital, subscription, the commencement of business, ये जो है इसका 65 का A answer रहेगा। 66 number प्रश्न पूछा था, What do you understand by the term unlimited liability? तो 66 का जो right answer है that is A, the personal assets of the owner can be sold when the assets of the business is not enough, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? 67 का राइट आंसर है डी, लॉक ऑफ बिजनेस, जो है इसका राइट आंसर है डी। 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर? 68 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, 10, 10 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 69, हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड इन? 69 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, 1956 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइनर पार्टनर? 70 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, ही हैज टू वियर लॉसेस आल्सो। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा था, द टर्म एंटरप्रेन्योर वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन द आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट? 71 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, रिचर्ड कैनेटल, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा 71 का। 72 का जो प्रश्न है, एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो वाज सेट अप बाय, तो 72 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, आईआईसी। 73 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, 73-- इज द कंड्यूस डिटरमाइंड वेदर ए प्रपोज्ड बिजनेस हैज सफिशिएंट मैनेजमेंट? 73 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी, ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस में, ये पूछा गया था, फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्वड इन ईडीपी, तो इसका 74 का राइट आंसर रहने वाला है डी, अरेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, डी जो है इसका आपके पास राइट आंसर रहेगा। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया था, फिजिबिलिटी स्टडी इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज? 75 का जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ये डाउटफुल है थोड़ा प्रश्न, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 76 क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव? 76 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, स्टॉक जो है फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं है। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था, --- इंडिकेट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस एट गिवन पीरियड? 77 का राइट आंसर है ए, ये आपने याद रखना है। 78 नंबर प्रश्न पूछा था, अकाउंटिंग बिकम ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग? 78 का राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। और नेक्स्ट 79 पूछा था, ए बजट इज? 79 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, डिपार्टमेंट और पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न पूछा था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज डेवलप्ड बाय? 80 नंबर का जो आंसर रहेगा ए, काल्पन एंड कूपर जो है। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया था, व्हेन सेल्स आर 3000 एंड पीवी रेशियो इज 20% देन कंट्रीब्यूशन विल बी? 81 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, RS 6000 जो है इसका आंसर रहेगा। 82 नंबर प्प्रश्न पूछा था, the BEP --- when selling price increased? 82 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, increases, 82 का राइट आंसर ए रहेगा। 83 नंबर प्रश्न पूछा था, when a company taken over another one clearly becomes the new owner, the action is called? तो 83 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, acquisition जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 84 नंबर प्रश्न जो पूछा था, privatization of ownership थ्रू द सेल इक्विटी शेयर इज कॉल्ड? 84 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, डिसइन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं बी, निवेश इसको कहा जाता है। 85 नंबर प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? 85 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, डेफिशिट फाइनेंसिंग, वित्तीय घाटा। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्राइज? 86 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, कैपिटलिज्म, 86 का राइट आंसर ए रहेगा, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद आपके पास। 87 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002? तो 87 का जो राइट आंसर है आपके पास दैट इज बी, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। 88 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? 88 का जो आपके पास राइट आंसर है दैट इज सी, मनी एंड कैपिटल मार्केट जो है इसका राइट आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
Which of the following is not a regulatory institution in India in financial system? 89 का जो right answer है that is B, civil, ये जो है regulatory institution नहीं है financial system में India में. 90 number question पूछा था, the market for extremely short period loan is called, 90 का जो right answer है that is A, call money market जो है इसका answer रहेगा. 91 number question, the bill which doesn't require acceptance is called, 91 का right answer है A, treasury bill इसको कहा जाता है जिसको acceptance की ज़रूरत नहीं होती है. 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, HPU MCOM एंट्रेंस 2022 में जो हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 7/6/2022 को, डैश डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. 92 का जो राइट आंसर है दैट इज BICICI, ये जो है इसका राइट आंसर है. 93 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिप्स, तो 93 जो इसका आंसर है इसका है सी, सेपरेट ट्रेडिंग रजिस्टर्ड इंटरनेट प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी. 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, 94 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, 1992. फिर पूछा गया था 95 नंबर क्वेश्चन, इन सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट ऑफ फर्म इज डन थ्रू, तो इसका जो राइट आंसर है 95 का राइट आंसर है दैट इज ए, सेल्स वॉल्यूम जो है इसको कहा जाता है. 96 नंबर क्वेश्चन पूछा था, डैश डैश रेफर्स टू ए जीरो सेगमेंटेशन, 96 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, मास मार्केटिंग इसका जो राइट आंसर रहेगा. 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, द फोर सीज आर, 97 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, कस्टमर फोकस कॉस्ट कन्वीनियंस एंड कंपटीशन, ये इसका राइट आंसर रहेगा. और जो 98 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर्स टू द प्लेस टू द प्रोड्यूसर इज नोन एज, 98 नंबर प्रश्न का आंसर है ए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. 99 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, 99 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, वेंडल आर स्मिथ जो इसका राइट आंसर है. 100 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था एच पी एम कॉम एंट्रेंस में, टारगेट प्राइसिंग इज आल्सो नोन एज, तो 100 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, प्रतिफल मूल्य का निर्धारण, रेट ऑफ रिटर्निंग प्राइसेस. तो थैंक यू वेरी मच, ये था एच पी एम कॉम एंट्रेंस. यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें. इसके अलावा आपको एच पी एम एस सी केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स की सॉल्वड आंसर की अगर आपने देखने हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.